शहर की जनता से जुड़ी खबर को लेकर बड़ा असर हुआ है। डीजी महाराजा न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर अब ट्रैफिक पुलिस जल्द ही अभियान चलाएगी। एमजी रोड पर हो रहे धरना सेठों और पार्किंग माफिया के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आगरा की ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए भरकस प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक की समस्या आगे पैदा न हो, इसको लेकर डीसीपी ट्रैफिक रवि कुमार द्वारा विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत तमाम विभागों के साथ में लेकर शहर की सड़कों के अलावा भगवान टोकी चौराहे से सदर बाजार चौराहे तक दोनों साइड में लगने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। साथ ही पार्किंग माफिया द्वारा अव्यवस्था फैलाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ट्रैफिक रवि कुमार का साफ तौर पर यह कहना है कि ट्रैफिक पुलिस लगातार जाम की समस्या को लेकर काम कर रही है। ट्रैफिक को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का असर भी शहर की सड़कों पर दिखने लगा है। अब पार्किंग माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बड़ी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द ही पार्किंग माफिया के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें एक ट्रैफिक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व रहते हैं और इसकी एक समग्र प्लानिंग करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे अतिक्रमण के बारे में आपने बोला, तो पहली चीज ये है कि हम लोग हर एक ऐसे स्पॉट्स हैं उसको चिन्हित करके वहाँ पे फोकस्ड कार्रवाई भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कल भी भगवान टॉकीज के पास में हुआ था, उसके पहले खंडारी पे हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा साथ ही साथ जब पैदल गश्त फुट पेट्रोलिंग के समय में जो थाना और चौकी की पुलिस निकलती है शाम को, वो लोग भी उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो लोग भी अतिक्रमण को हटाएं, चौराहों के आसपास में खाली कराएं। और दूसरी चीज है कि जो हमारी 133 CRPC है, जो कमिश्नरेट में ये पुलिस के पास नई प्रावधान आए हैं, उसके तहत भी हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को नोटिस दिया जाएगा जो ऐसे भी अतिक्रमणकारी हैं, जो पब्लिक प्लेसेस को घेरे हुए हैं, जो पब्लिक सेफ्टी के लिए डेंजर पैदा कर रहे हैं, वैसे लोगों को नोटिस देकर उनके खिलाफ मजिस्ट्रियल कोर्ट के द्वारा ECPs के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये एक नया इनिशिएटिव है जहां ACP जो है संबंधित, पहले ये एडिशनल DCP प्रोटोकॉल के पास में ये कोर्ट चलता था, अभी सब ACPs अपने एरिया में 133 की कार्रवाई भी करेंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। उसके अलावा अन्य इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे कि कंट्रोल रूम से हम लोग रेगुलरली चालान कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से जो PA सिस्टम से हम लोग अनाउंस करते रहते हैं, लेफ्ट फ्री का अभियान चला हुआ है। उसके अलावा जो हम लोग रेगुलर जो एक सड़क सुरक्षा के अभियान के तहत में हर दिन एक नई नई कार्रवाई करते हैं, कभी जैसे CCTV, अगर स्कूल बसेज में CCTV इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, कहीं पे कोई जो डग्गा मार वाहन आ रहा है तो वैसे वाहनों पे कार्रवाई, साथ ही साथ जो अवैध पार्किंग है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बिजली घर पे जो पार्किंग वैसे तो थी लेकिन अव्यवस्थित हो गई थी और वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी, उस पर भी हम लोगों के द्वारा FIR पंजीकृत कराई गई है। तो इस तरह CP महोदय के निर्देशन में एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर सभी दिशाओं और सभी एंगल्स पे काम करते हुए, सभी आयामों पे काम करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में आगरा पुलिस कार्यरत है। DG महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।